सो गाइस, अगर आप अपने फोन में फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स चाहते हैं तो आपको बजट 35,000 के अराउंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस रेंज में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 और 8 जेन 2 जैसे फ्लैगशिप चिपसेट मिल जाते हैं, जो आपको इस सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस लाके देते हैं। इसके अलावा इन फोन्स में आपको कैमरे की क्वालिटी भी टॉप नॉच मिल जाती है, जिससे आप रील्स बनाते हैं या सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट बनाते हैं, इनमें आपको तगड़ी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। और रिसेंटली इस बजट में कुछ फोन्स लॉन्च भी हुए, तो उन्हें भी हमने इस वीडियो में रखा है, तो वीडियो को पूरा देखें। और आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है ओप्पो रेनो 11 स्मार्टफोन। गाइस, ओप्पो का ये फोन रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है और ओप्पो की ये सीरीज खास तौर पर इसके कैमरे के लिए जानी जाती है। तो अगर आपको 30 से 35,000 की रेंज में ओप्पो का कोई कैमरा सेंट्रिक फोन लेना हो तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर, जो मीडियाटेक का काफी अच्छा चिपसेट है और परफॉर्मेंस भी ये तगड़ी लेके आता है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और इसके टेलीफोटो लेंस में सोनी का फ्लैगशिप कैमरा सेंसर IMX709 यूज किया गया है, जो बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी लेके आता है। और सेल्फी कैमरे इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और SDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ आता है, जो कलर OS पर बेस्ड है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग 67W की लेके आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 32,000 में ही मिल जाता है। सो नेक्स्ट फोन है नंबर 4 पर मोटो S30 अल्ट्रा स्मार्टफोन। गाइस, मोटोरोला का ये फोन प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल का लेके आता है और इस फोन में आपको क्लीन UI भी मिल जाता है और ये फालतू एड्स और ब्लॉटवेयर लेके नहीं आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर, जिसमें आप स्मूथली गेमिंग कर पाएंगे और परफॉर्मेंस भी ये तगड़ी लेके आता है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंच की पीओलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले और इसमें SDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है और रिफ्रेश रेट इसमें 144 हर्ट्ज का मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये फोन 4610 mAh की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग इसमें 125W की मिल जाती है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और बेसिक चीजों को देखें तो इसके डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिल जाती है और ये फोन 1250 nits की ब्राइटनेस के साथ आता है। इसके अलावा गाइस, इस फोन की प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन भी चल रही है, तो इसे आपको ज्यादा प्राइस में नहीं लेना है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 35,000 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन। गाइस, Redmi का ये फोन एक न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है, जिसमें आपको कैमरे क्वालिटी अच्छी तो मिलती ही है, साथ ही ये प्रोसेसर भी तगड़ा लेके आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर, जो कि गेमिंग और हैवी यूजर्स के लिए काफी अच्छा है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और इसके रियर कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाती है और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंच की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आप मूवीज देखते हैं या कोई भी कंटेंट देखते हैं। कलर्स और डिटेलिंग इसमें बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, SDR 10 प्लस का सपोर्ट, 1800 निट्स ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी भी इस फोन की काफी अच्छी है। बैटरी की बात करें तो ये फोन 5000 mAh की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग इसमें 120W की मिल जाती है और ये फोन IP68 की रेटिंग के साथ भी आता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 34,000 में मिल जाता है। वहीं इसका टॉप वेरिएंट 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ अराउंड 36,000 मिलता है। तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। सो नंबर 2 पर है आईको नियो 7 प्रो स्मार्टफोन। गाइस, आईको के फोन खास तौर पर इनकी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और ये फोन भी तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसके अलावा अगर आपको इस रेंज में कोई ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना हो तो ये फोन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर, जिसमें आप मल्टीटास्किंग या कोई भी हैवी यूजेस करते हैं आपका फोन मक्खन चलने वाला है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 1300 nits की मिल जाती है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग 120W के लिए आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 34,000 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 12R। गाइस, अगर आप अपना बजट 35,000 से थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा, लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो आईको नियो 7 प्रो में भी आपको कोई खामी देखने को नहीं मिलेगी। तो OnePlus 12R के स्पेक्स की बात करें तो इसमें मिल जाता है क्वालकॉम का फ्लैगशिप चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, जिसमें आप हाई सेटिंग्स पर भी स्मूथली गेमिंग कर पाएंगे। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड
वाइड, और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में सोनी IMX 890 सेंसर मिलता है और अल्ट्रा वाइड में IMX 355। और ये दोनों कैमरा सेंसर तगड़ी कैमरा क्वालिटी लेके आते हैं। और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की प्रो XDR LTPO 4th Gen AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 4500 nits की मिल जाती है। और ये फोन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आता है। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले में एक्वा टच भी देखने मिल जाता है, जो रेनी सीजन के लिए काफी यूजफुल फीचर है। बैटरी एपसिटी की बात करें तो इसमें 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग 100W की लेके आता है। और इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 भी मिल जाता है, जो ऑक्सीजन OS पर बेस्ड है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके बेस वेरिएंट 8GB RAM 128GB स्टोरेज को लेते हैं तो ये फोन आपको 40,000 में मिल जाता है।